नमस्कार। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज हरियाणा का रण, विनेश फोगाट का राजनीतिक भविष्य और कहां महिला कोऑपरेटिव की सक्सेस स्टोरी पहुंच चुकी है बच्चों के पाठ्य पुस्तक में। लेकिन पहले अमित शाह का विजय मंत्र। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह इलेक्शन मोड में है। वहां फलौरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये संयोग ही है कि जम्मू कश्मीर में पहला चुनावी सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है और विघ्नहर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का हरण करते हैं। विपक्ष पर तीखे तीर चलाते उन्होंने अपने बूथ कार्यकर्ताओं से तीन परिवारों के साथ सुबह 11:30 बजे तक मतदान करने का मंत्र दिया। हर कार्यकर्ता का परिवार और साथ में और तीन परिवार, चार परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। जम्मू में बूथ सम्मेलन के दौरान अमित शाह अपने पूरे रौ में थे। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं बल्कि एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं बल्कि भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया उसके अंतर्गत मतदान होने जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। अपने बूथ कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा कि वो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। अपने साथ तीन और परिवारों का मतदान सुबह 11:30 बजे से पहले कराएं। हर कार्यकर्ता का परिवार और साथ में और तीन परिवार, कितने परिवार हुए भाई? अरे जोर से बोलो कितने हुए? चार परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी यह अधिकार छीनना चाहती है। शाह ने कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा, आखिर आप छीनने देंगे? विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी पत्थरबाजी और आतंकवाद में लिप्त लोगों को जेल से छोड़ना चाहती है ताकि जम्मू पुंछ राजौरी जैसे क्षेत्र जहां शांति है वहां फिर से आतंकवाद आए। शाह ने कहा कि जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया घाटी में 40,000 लोग मारे गए। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। शाह ने कश्मीर के दो परिवारों और कांग्रेस पर राजनीतिक पलटवार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गुज्जर बकरवाल पहाड़ी और दलितों के आरक्षण खत्म करने का वायदा करने को लेकर आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान से भी बातचीत पर शाह ने दो टूक कहा कि जब तक शांति नहीं होगी बातचीत नहीं होगी। अरे राहुल बाबा मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूँ, जितना दम लगा दो। गुर्जर बकरवाल पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। आज मैं कह कर जाता हूँ जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। शाह ने कहा कि मैं बहुत छोटी उम्र से ही चुनावी आंकड़ों का छात्र रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार कभी नहीं बन सकती। अगर ये आए तो आतंकवाद फिर लौटेगा। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा और भाजपा आई तो किसी की तकात नहीं है आतंकवाद को यहाँ घुसपैठ कराने।
अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्त सुलेमानी रखने पर कड़े शब्दों में कहा, हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये लोग पत्थरबाज और आतंकियों की रिहाई करवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से व्यापार शुरू करना चाहते हैं ताकि आतंकी फंडिंग शुरू हो जाए। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहाँ आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आप जानते हो ना, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की, आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राज्य का दर्जा बहाल करने की बात पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं कर सकती है, ये सिर्फ केंद्र सरकार और पीएम मोदी कर सकते हैं। उचित समय पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। जम्मू में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के ऊपर 2014 की जीत को दोहराने की चुनौती है तो बाकी दलों के सामने बीजेपी को हर हालात में रोकने का दबाव है। विकास भदौरिया, जम्मू, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी ने शुक्रवार 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र का नाम दिया गया है इसे, और इसमें कई वादे किए गए हैं। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 18,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता, कॉलेज छात्रों को सालाना 3,000 रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा, 10वीं के छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप्स मिलेंगे और 5,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। इनके अलावा टूरिज्म, आईटी हब और किसानों को लेकर भी संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां के चुनावी दंगल में पहलवानों की एंट्री हो चुकी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विनेश को जुलाना से टिकट मिला। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताते हुए विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में दो पहलवानों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ये दोनों पहलवान उस आंदोलन में शामिल थे जो पहलवानों ने कुश्ती संघ के विरोध में किया था। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। अब हरियाणा में विनेश को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है तो ब्रिजभूषण ने विनेश पर गंभीर आरोप लगाए। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी, 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई, तब आकर के आपने 50 किलोमीटर ट्रायल दिया जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही थी, 5-0 का स्कोर था, 5-1 का या 6-1 का स्कोर था। शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कुश्ती जीत रही थी, लेकिन आपने हंगामा खड़ा किया, रेलवे के रेफरी आपके सामने झुक गए, सरेंडर कर गए, आपको जिता करके भेज दिया। उस समय भी आपका वजन ज्यादा था और उसी का परिणाम आपको भगवान ने दिया। ब्रिजभूषण कहते हैं कि बेईमानी से विनेश का चयन हुआ जिसका परिणाम उन्हें भगवान ने ओलंपिक में दे दिया। विनेश के कांग्रेस में जाने पर ब्रिजभूषण कहते हैं कि सारे आंदोलन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किरदार थे, अब ये साफ हो चुका है। उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस। और आज वही बात सामने निकल करके आई। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं विनेश के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है, हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। विनेश को हरियाणा के जुलाना से टिकट मिला है। यहाँ के बख्ता खेड़ा गांव में उनका ससुराल है। विनेश के साथ जो हुआ उसे लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। सियासत माने का ये सेमन होया जो उसने प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर और वो सिल्वर मेडल तक पहुंची है और उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसके अंदर मायूसी होना लाजमी था। उसका कारण क्या था, उसके साथ साजिश हुई है कोई भी? कौन साजिश हुई है ये बताइए। ये साजिश तो देश को दिखती है। किसने की?
ये नहीं किसने किया तो किसको किसने किया उसका पता नहीं करता। अगर आपका काम हो वो मीडिया काम हो किसने साजिश की। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख रहने के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साल 2023 में दूसरे पहलवानों के साथ विनेश फोगाट दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। इस आंदोलन में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी उनके साथ थे। उस समय इन पहलवानों को कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन मिला था। ब्रिजभूषण ने जो आरोप लगाए हैं उन पर बजरंग पुनिया ने भी जवाब दिया है। आप उस समय वो देख लीजिए कि भाई किन लोगों ने हमें आंदोलन पे बिठाया था और कौन लोग थे, कांग्रेस के थे या और किसी के थे। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे निचरने दिया था और बीजेपी के नेताओं को हमने लेटर लिख के दिया है, अगर वो फिर भी नहीं आए तो उनका काम है ये नैरेटिव फैलाना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, ये फलाने ने करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश ने देखा और आज भी पूरा देश खिलाड़ियों की बेटियों के साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले जब उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश ने राजनीति में कदम रख दिया है। देखना यह है कि वो ब्रिजभूषण के आरोपों का क्या जवाब देती हैं और राजनीति में उनकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। हरियाणा के जुलाना से पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विनेश चुनाव लड़ पाएंगी। विनेश ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विनेश के साथ बजरंग पुनिया ने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी ये इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। इस्तीफा मंजूरी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता तब तक वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। महिला पहलवान विनेश फोगाट की एंट्री ने हरियाणा चुनावों को और रोचक बना दिया है। वैसे हरियाणा की राजनीति में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम ही होती है। अब इस क्षेत्र में महिलाएं अपना सिक्का जमाने की तैयारी कर रही हैं। देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। हरियाणा की यह बेटी लंदन से कानून की पढ़ाई करके आई है और अब राजनीति में सिक्का जमाने का इरादा है। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। तकना सातवां विधानसभा में नहीं बैठेगी, उसका पूरा बरवाला क्षेत्र, उसका पूरा बरवाला परिवार उधर बैठेगा। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों में सैकड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहती हैं और वहीं कुछ जमा चुकी हैं। हम अपना क्षेत्र में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हमारी जीत हासिल करेगी और दोबारा से सडोरा क्षेत्र में हम जीत का परचम लहराएंगे। हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं, तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ। मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है। इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे में पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। प्रदेश में महिला और पुरुष जनसंख्या तो अब लगभग बराबर है, लेकिन टिकट देने और फिर जीतने के बाद मंत्री बनाने में महिलाएं काफी पीछे हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात तो पार्टियां करती हैं, लेकिन टिकट वितरण में वह दिखता नहीं है। सैनी सरकार में मात्र एक महिला मंत्री है। बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सिर्फ 8 महिलाएं हैं। कांग्रेस की 32 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं। 2019 में 9 और 2014 में 13 महिला विधायक चुनी गई। 2019 में 104 और 2014 में 115 महिला उम्मीदवार मैदान में थी। हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। उसके बाद राज्य में महिला और पुरुष की जनसंख्या अनुपात बेहतर हुआ, लेकिन एक बार फिर उसमें गिरावट हो रही है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं हैं। 2015 में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, 2019 में 1000 पुरुष पर 923 महिलाएं हो गई, लेकिन 2023 में 923 से गिरकर 906 हो गई। पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत, कहीं ना कहीं वो एक मेल ईगो कि महिला मुझसे आगे क्यों। बेशक आज 21वीं सदी में हम चल रहे, युग बदल गया,
पर सोच आज भी हमारी नहीं बदली है, सोच आज भी वही पुरानी है। पुरुष प्रधान देश है हमारा, महिलाओं का वोट डालने का तो उतना ही अधिकार है, पर टिकट और मंत्रिमंडल में महिलाओं की कोई जगह नहीं है। समय आ चुका है कि महिलाओं पर जहाँ बराबरी का हमारा अधिकार है, तो ऐसे हमें राज्यसभा और विधानसभा में भी बराबरी की टिकट मिलनी चाहिए। महिलाओं उनका जीतने में पुरुष से भी और ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि महिला जब घर समाज परिवार जब सब कुछ संभाल सकती हैं, तो राजनीति में महिला अपना अपनी टिकट और अपना स्वाभिमान बढ़ाने के लिए अच्छे से अपना कर सकती हैं। हरियाणा में महिलाएं घर से लेकर खेती तक सब जगह काम करती हैं। महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं। कोई लेडी अगर सरपंच बनी गाँव में, ठीक है, वैसे तो वो कहने के लिए सरपंच वही है, हर जगह सिग्नेचर उसी के होंगे, लेकिन जहाँ मीटिंग्स की बात आती है वहाँ हस्बैंड आगे उठते हैं। तो यही मुझे मेन रीज़न लगता है कि मेल डोमिनेट जो सोसाइटी है, यही मेन रीज़न है। कुछ थोड़ा बहुत ही हो जाता कि अब तो खैर हो रहा है ये चीज़ कि पहले थोड़ी एजुकेशन की कमी थी, लेकिन अब वो चीज़ें हो रही हैं कि हाँ धीरे धीरे लेडीज़ भी कि अब अकेले हस्बैंड ना जाके साथ में उनकी वाइफ जा रही है तो वो वहाँ पे बोल भी रही है। खेल के मैदान में भी हरियाणा की महिलाओं ने खासा नाम कमाया है। देखना यह है कि क्या राजनीतिक दल इस राज्य की महिला शक्ति पर आगे कितना भरोसा करते हैं। विश्व में हरियाणा की छोरियां भारत का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में अभी भी वो पीछे हैं। उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियां उन्हें बराबरी का मौका देंगी ताकि वो भी राजनीति में आगे बढ़ सकें। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारा भारत में अब खबर बिहार के एक गांव की, जहां गांव की कुछ महिलाओं ने ऐसा काम किया है कि अब उनकी कहानी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। वैशाली के मदिरापुर गांव का इलाका पशुपालन के लिए जाना जाता है और इस काम को वहां की महिलाओं ने अपने हाथ में लिया हुआ है। हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये बिहार में वैशाली के मदिरापुर गांव का मिडिल स्कूल है। यहाँ 8वीं की छात्राएं अपनी किताबों में अपने घर की महिलाओं की कहानी पढ़ती हैं। ये कहानी ऐसी है कि बिहार के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मथुरापुर की कहानी है। यहाँ की अध्यक्ष एक महिला है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी आगे चल के ऐसा काम करें। हमें गर्व होता है कि हमारे जैसी लड़की सब इतनी आगे बढ़ रही है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या किया इस गांव की महिलाओं ने कि सरकार ने उन्हें पाठ्यक्रम का मुख्य किरदार बना दिया। इस गांव की 10 महिलाओं ने मिलकर एक स्वयंसेवी सहायता ग्रुप बनाया और उसमें लगभग 500 और महिलाओं को जोड़ा। ये पूरा इलाका पशुपालन के लिए मशहूर है। दुग्ध उत्पादन और उसे बेचने तक की सारी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने संभाल रखी है। दूध नापने आते हैं, सुमन देवी चलाते हैं और दूध नाप के हम स्कूल में जाते हैं, काम भी करते हैं, लड़का को ले जाते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। सुबह उठते हैं तो अपन आते हैं, गाय खिलाते हैं, गाय बांधते हैं, चरा के कुत्ती रखते हैं, नदी में सनते हैं, पानी लाते हैं, नहाते हैं गाय के अपन, तब दूध दुहाता है, सेंटर लेके आते हैं। न केवल इस कलेक्शन सेंटर की जिम्मेदारी बल्कि गायों की देखरेख, उन्हें खिलाना पिलाना, उन्हें घुमाना और दूध निकालना, ये पूरा काम भी महिलाएं बखूबी करती हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। महिला दूध सेंटर अपने वैशाली जिले के, और सबसे बड़ी यहाँ की खासियत है कि महिलाएं यहाँ काम भी करती है, महिलाएं यहाँ दूध भी देने आती हैं, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण भी है अपने हमारे गांव के लिए। सब लोग विरोध कर रहा था कि ऐसा काम नहीं कि ये जेंट्स कमाएगा तो नहीं पेट भरेगा, तो आप लोग बाहर निकल के ही करते हैं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ज़बरदस्ती है कि नहीं हम करेंगे, काम आगे बढ़ेंगे करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते तो महिला सब किसान सब आने लगा, मीटिंग हुआ, मीटिंग में सब आया, उसके बाद में सेंटर खुला। अब तो गायों की कृत्रिम गर्भधारण की भी जिम्मेदारी ये बखूबी निभा रही हैं, जो कि अमूमन केवल मर्द किया करते थे। बहुत सारा जैसे लोग कहते थे कि महिलाओं के ये करती है, लेकिन हमने उन लोगों के बात पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना काम पर ध्यान दिया, क्योंकि काम करना कोई बुरा बात नहीं है। सरकार महिला को आगे बढ़ने के लिए काम दिया है तो क्यों नहीं हम करें, उससे मेरा परिवार चला है, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं।
इस स्वयं सहायता समूह के चलते हर घर में लगभग 10,000 से लेकर 30,000 तक की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जब ये महिलाएं इस गांव में आई तो ये सोच के आई थी कि घूंघट में रहना इनकी नियति होगी, जिंदगी चूल्हा चौका में गुजरेगा। लेकिन इनमें से शारदा देवी और सुमन कुमारी जैसी महिलाएं जागी, जो घर का खानदानी धंधा था उसकी कमान संभाली और धीरे धीरे ये कुनबा बड़ा होता गया। आज इस क्षेत्र में इनके दूध के धंधे का बोलबाला है। इनकी कहानियाँ घर घर में सुनाई जाने लगी और जब मामला सरकार के कानों तक पहुँचा तो इनकी प्रेरणादायक कहानी बच्चों के किताब का हिस्सा बनी। इसी गांव के बच्चे जब पढ़ने को अपने स्कूल जाते हैं तो उनकी किताबों में उनकी माँ और चाची के किस्से होते हैं, जिन्हें हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। बच्चियों को बहुत प्रेरणा मिलती है इस कहानी को पढ़ के, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि उन्हीं के गांव की है, जहां से ये लोग आती हैं, उन्हीं के गांव के बच्चियां लोग उन्हीं की कहानी पढ़ रही हैं। आज वो जान रही होंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके भी परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, और इन लोग को भी कि गर्व होगा कि हमारे ही गांव की कहानी है। इससे इन लोग को भी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी इस तरह का भी कोई बिजनेस मैं भी आगे पढ़ लिख के कर सकती हूँ। इन महिलाओं की सफलता की कहानी अब न केवल बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं बल्कि दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। वैशाली से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए एक कार्यक्रम और इसकी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।